खबर उन्नाव जनपद से, जहां पूर्वा कोतवाली में बुधवार को रात 9 बजे मुखबिर के द्वारा सूचना मिलती है कि टौरा नहर के जंगल में गौ तस्कर गोवंश को रस्सी में बांध कर उसे काट रहे। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी ज्ञानेंद्र सिंह ने क्षेत्राधिकारी पंकज सिंह को सूचना पहुंचाई। सूचना पाकर के क्षेत्राधिकारी ने पूर्वा SSI जयप्रकाश यादव को, उपनिरीक्षक भीम शंकर मिश्रा, कांस्टेबल हरिओम, कांस्टेबल विनीत कुमार को निर्देशित किया सभी गौ तस्करों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। मौके पर पुलिस पहुंचकर तस्करों को गिरफ्तार किया गया। तीनों अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ये बीती रात करीब 10 बजे हमारी स्वाट टीम के माध्यम से थाना टीम को एक सूचना मिली कि ग्राम तौरा के पास जंगल में कुछ लोग गोवंशीय पशु को लाद रहे हैं, वो कहीं ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। तत्काल हमारी पुलिस और स्वाट टीम पहुंची तो वहां पर एक गाड़ी में, एक ट्रक में 22 गोवंशीय पशु लदे हुए थे और कुछ लोग उनको ले जाने का प्रयास कर रहे थे। तत्काल पुलिस पहुंची और घेराबंदी करी, उनको पकड़ने का प्रयास किया। उन्होंने पुलिस पर फायर भी किया, पुलिस ने उनको सूझबूझ का परिचय देते हुए उनको गिरफ्तार किया। उसमें से एक अभियुक्त फरार हो गया, 3 गिरफ्तार हुए। से पूछताछ हुई तो ये पता चला कि यहाँ से कुछ लोगों से बातचीत करके 22 गोवंश पशुओं को लाद कर ये बिहार ले जाने का प्रयास कर रहे थे और एक इनोवा गाड़ी भी थी साथ में, ट्रक के साथ। जो इनोवा गाड़ी उस ट्रक की सहूलियत के हिसाब से आगे पीछे चलती रहती है और इस तरह 3 लोग पकड़े गए और एक जो फरार हुआ उसकी गिरफ्तारी का प्रयास की जा रही है। और इनके जो पकड़े गए इनके पास से ट्रक और इनोवा कार के अलावा काटने के उपकरण, कुछ लकड़ी का एक बड़ा सा ब्लॉक और इनके पास स्लेट, 2 अवैध स्लेट 12 बोर के और एक चाकू और कुछ कारतूस बरामद हुए। इनको मुकदमा लिखकर इनको गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए, बाकी विवेचना का आवश्यक। मुठभेड़ में कोई घायल हुआ है? नहीं, किसी को चोट नहीं आई। पुलिस अपनी सूझबूझ के हिसाब से पकड़े गए गोवंशियों को कहाँ रखवाएंगे? पकड़े गए गोवंशियों को अभी फिलहाल चूँकि और जगह यहाँ पर नहीं थी तो गौशाला में रखवाएंगे। कोतवाली परिसर में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, किस संबंध में आयोजन हुआ है? ये बीती रात करीब 10 बजे हमारी स्वाट टीम के माध्यम से थाना टीम को एक सूचना मिली कि ग्राम तौरा के पास जंगल में कुछ लोग गोवंशीय पशु को लाद रहे हैं, वो कहीं ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। तत्काल हमारी पुलिस और स्वाट टीम पहुंची तो वहाँ पर एक गाड़ी में, एक ट्रक में 22 गोवंशीय पशु लदे हुए थे और कुछ लोगों को ले जाने का प्रयास कर रहे थे। तत्काल पुलिस पहुंची और घेराबंदी करी, उनको पकड़ने का प्रयास किया। उन्होंने पुलिस पर फायर भी किया, पुलिस ने उनको सूझबूझ का परिचय देते हुए उनको गिरफ्तार किया। उसमें से एक अभियुक्त फरार हो गया, 3 गिरफ्तार हुए। से पूछताछ हुई तो ये पता चला कि यहाँ से कुछ लोगों से बातचीत करके 22 गोवंशीय पशु लाद कर ये बिहार ले जाने का प्रयास कर रहे थे और एक इनोवा गाड़ी भी थी साथ में, ट्रक के साथ। जो इनोवा गाड़ी उस ट्रक की सहूलियत के हिसाब से आगे पीछे चलती रहती और इस तरह 3 लोग पकड़े गए और एक जो फरार हुआ उसकी गिरफ्तारी का प्रयास की जा रही है। और इनके जो पकड़े गए इनके पास से ट्रक और इनोवा कार के अलावा काटने के उपकरण, कुछ लकड़ी का एक बड़ा सा ब्लॉक और इनके पास स्लेट, 2 अवैध स्लेट 12 बोर के और एक चाकू और कुछ कारतूस बरामद हुए। इनको मुकदमा लिखकर इनको गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है, बाकी विवेचना में और आवश्यक। मुठभेड़ में कोई घायल हुआ है? नहीं, किसी को चोट नहीं आई। पुलिस अपनी सूझबूझ के हिसाब से पकड़े गए गोवंशियों को कहाँ रखवाया गया? पकड़े गए गोवंशियों को अभी फिलहाल चूंकि और जगह यहाँ पर नहीं थी और उनको गौशाला में रखवाया गया, बाकी उसका।